हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर और री अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, जो कि रहेगा इस वीडियो का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा होगा तो इस आई बटन पे क्लिक कर दीजिए और पार्ट वन भी देख लीजिए। तो आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, मेरा नाम है अनिकेत कदम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। तो वो होगा अपॉइंटमेंट थ्रू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो फर्स्ट जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसे अपॉइंट करने का एक नया प्रस्ताव एनुअल जनरल मीटिंग में पेश किया जाएगा, मतलब प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अपॉइंट कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज फर्म भी हो सकती है। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज फर्म भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि होल्डिंग पीरियड ऑफ द ऑडिटर, मतलब एक ऑडिटर अगर उस पोजीशन पर बैठ गया तो उस पोजीशन के लिए वो कितने दिन बैठेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट रहेगा कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, जिस मीटिंग में उसको अपॉइंट कर दिया गया है उस मीटिंग से लेके कंक्लूजन ऑफ द सिक्स एनुअल जनरल मीटिंग। वापस एक बार, कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग से लेके कंक्लूजन ऑफ इट्स सिक्स एनुअल जनरल मीटिंग तक उसका टेन्योर रहेगा। 6 साल होने के बाद वापस से ये प्रोसीजर होगा, फिर वापस से नया ऑडिटर रखा जाएगा, नहीं तो यही ऑडिटर कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट 6 साल के लिए। ये हमने पढ़ लिया बेसिक प्रिंसिपल्स। तो अभी देखेंगे और कुछ चीज़ें अपने को ध्यान में रखना है अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। तो देखते हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहली बात, जो कंपनी है ऑडिटर रखने वाली, उसे वो जो कंसर्न है उस एनुअल जनरल मीटिंग में रखना पड़ेगा कि इस एनुअल जनरल मीटिंग में हम नया ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हैं, या आपकी अगर सहमति होगी तो इस ऑडिटर को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मतलब हर साल नया एनुअल जनरल मीटिंग होता है, तो हर साल थोड़ी ना हम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। तो जिस एनुअल जनरल मीटिंग में हम ये चीज़ करने वाले, स्पेशल बिजनेस करने वाले हैं, उस एनुअल जनरल मीटिंग में हमें ये मैटर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब तो हो गया। अभी उसके बाद आपको और कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी कि ऑडिटर अपॉइंट करने से पहले कुछ चीज़ें अपने को ऑडिटर से लेनी पड़ेगी, कि ऑडिटर से हमें एक रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा कि उसे भी इच्छा है हमारे कंपनी में काम करने के लिए। तो उससे हम वो कंसेंट लेटर ले लेंगे और उसके सर्टिफिकेट्स ले लेंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर वो अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो अपॉइंटमेंट पूरे प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजंस को फॉलो करके हो रहा है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो ऑडिटर सेटिस्फाई ऑल द प्रिस्क्राइब कंडीशन, मतलब क्राइटेरिया जो दिया गया है ऑडिटर रखने के लिए वो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं। वो सर्टिफिकेट्स हम क्यों ले रहे हैं भाई? उसके लिए ले रहे हैं कि वो ऑडिटर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वो देखने के लिए ही ले रहे हैं। ये सब कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको? जो ऑडिटर आपने अपॉइंट किया है उसको नोटिस भेजनी है कि आप हमारे कंपनी में एज ऑडिटर अपॉइंट हो चुके हो, उसे बधाई लेटर भेज दो। फिर उसके बाद उसे भी भेज दिया लेटर, क्या करें? अभी आपको भेजना है रजिस्ट्रार को लेटर कि हमने एक ये ऑडिटर अपॉइंट किया है। तो कब भेजना है हमें? 15 दिन के अंदर। कब से काउंट करेंगे? ये मीटिंग हेल्ड होने के बाद 15 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना है कि हमने ये ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है। ये सब हो गया नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। अभी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या रहेगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पार्ट वन में अच्छी तरीके से दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है इस वीडियो के नीचे, तो ज़रूर देख लीजिए। तो देखते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट केस में कैसे। जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है ऑफ इंडिया का, दैट इज कैग, वो अपॉइंट करता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। बस एक बार, कौन करता है? कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो कब करेगा, उसका टेन्योर कितना रहेगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इट विल बी विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर खत्म होने के बाद 180 डेज के अंदर कैग सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। भाई हमें पढ़ना है अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसकी नोटिफिकेशन लिंक मिलने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक द वीडियो, सो दैट आई विल ऑल्सो गेट सम मोटिवेशन फॉर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर डे, बाय बाय।